सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए, और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है। राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में बनाए जाने वाले चटपटे आलू। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं। व्रत वाले आलू बनाने की सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने 5 आलू ले लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनको मैंने उबाल लिया और छील लिया है। ये व्रत वाला नमक है जो स्वाद अनुसार ले लिया है मैंने। आधा चम्मच जीरा ले लिया है और आधी चम्मच ही काली मिर्च ले ली है। काली मिर्च को मैंने रफली कूट लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन को गर्म कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने देसी घी लिया है। इसमें ना तो कोई ऑयल यूज करते हैं ना कुछ, सिर्फ देसी घी में बनते हैं ये आलू। तो मैंने ये 1 टीस्पून इसमें देसी घी ले लिया है। घी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम कर सकते हैं। जब तक ये मेरा देसी घी गर्म होता है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, हल्का सा ही गर्म करूँगी। मैंने आलूओं को इस तरह से काट लिया है, ये आलूओं को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार कैसा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा काट लें। अब ये मेरा घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालती हूँ जीरा। ये मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा पक गया है, गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अब मैं इसमें डालती हूँ आलू। ये आलू भी डाल दिए हैं मैंने इस तरह से, और इनको अब मैं इस तरह से हिलाऊंगी। अब मैं इसमें डालती हूँ ये व्रत वाला नमक। ये नमक डाल दिया और ये काली मिर्च। अब मैं इनको इस तरह से थोड़ी देर हिलाऊंगी, जिससे ये नमक और मिर्च अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। इसको तेज गैस पे नहीं बनाना है, मीडियम गैस पे ही बनाना है। और ये मेरे चटपटे और स्वादिष्ट आलू तैयार हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप व्रत में यूज कर सकते हैं, जो भी व्रत में, जो भी फलाहारी व्रत करें आप, 11 के व्रत में, नवरात्रे में, और दही के साथ इसे एंजॉय करें। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये मेरी रेसिपी बनके तैयार है, और अब मैं इसको करती हूँ डिस आउट और गैस को कर देती हूँ बंद।